तू डर मत बेटा, हम सब तेरे साथ हैं, तेरे बाबूजी तेरे साथ हैं। तू तो मेरी जान है यार। लड्डू रानी बाबल की दुआएं लेती, लड्डू रानी बाबल की सदाएं लेती। सुना ऋषि, हम वहां नहीं जाएंगे, वहां सब गंदे लोग हैं और मारते भी हैं, हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल। सुनो तुम, पहले जाकर अपने हाथ धोकर आओ। पता नहीं और किसी को कुछ लग रहा है या नहीं, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यक, जाओ। प्यार से। जाओ बेटा। करिश्मा, क्यों डांटती रहती है बेचारी को? हम उसे डांटना नहीं कहते, इसे मैनर्स सिखाना कहते हैं। और हमने भी अपने बच्चों को सिखाया है ना, इसी तरह डांट कर सिखाया है। एक तो इसकी वजह से आस पास के सब लोग पता नहीं हमें क्या क्या बोल रहे हैं कि हमारे घर की बहू पागल हो गई है, और पागल खाने वाले ओबेरॉय खानदान की पागल बहू को अपने साथ ले गए। जो ऐसा कह रहा है उससे कहिए मुझसे आके बात करे। दीप, दीप, भाभी दी कहाँ है? दादी लक्ष्मी का। मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा? Ashmi, I'm really sorry. I promise. आज के बाद कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। बेटा, पर लक्ष्मी यहाँ आई कैसे? क्योंकि तुमने तो मुझे फोन करके बताया था कि ये कहीं चली गई है, फिर कैसे आई यहाँ? एक तो ये गवार है, कभी पूरी बात नहीं सुनता मेरी। तो मुझे बताएगी कौन है जिसको कॉल की जा रही है? कौन तेरी बात नहीं सुन रहा? कितनी खुश थी मैं, कितनी खुश थी ना जब लक्ष्मी मेंटल असाइलम गई। लेकिन नहीं, ऋषि से मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई और ले आया लक्ष्मी को वापस। कभी कभी ना मुझे ये लगता है कि एक्चुअली मेरा दुश्मन है कौन, ये लक्ष्मी या फिर ऋषि। लक्ष्मी प्लीज बताओ ना, कहाँ चली गई थी तुम अकेले? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हम सब ने तुम्हें, कहाँ गई थी? तुम मुझे डांट रहे थे और बोल रहे थे कि मैं रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती, तो मैं आ गई अकेले घर। देखो, और मैं ऋषि को भी ले आई। तुम अकेले आई हो? एक अंकल मिल गए थे उनके साथ। कौन से अंकल मिल गए थे? लक्ष्मी मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, कभी भी किसी अनजान इंसान के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। कौन से अंकल, कहाँ, कैसे आ गए? उनके पास मेरा फोटो था, उन्हें दिखाया और वो मुझे जानते भी थे। हाँ? कौन बेटा? उत्तर, जहाँ ये पहले काम करते थे ना वहाँ का मालिक था, वो छोड़ के गया है इसे।